सूट बूट वाले बाबा का पंडाल बना मौत का कुआं। फिल्मी हीरो से कम नहीं है भोले बाबा की लाइफस्टाइल। टाई चश्मा और व्हाइट थ्री पीस है बाबा को सबसे ज्यादा पसंद। जिस बाबा के सत्संग ने 121 लोगों की जान ले ली, जिस बाबा के सत्संग में गरीब जनता की भीड़ लगी हुई रहती है, वो बाबा एक आलिशान जिंदगी जीता है। स्टाइल तो ऐसा कि बड़े बड़े हीरो भी देखते रह जाएं। जो देखने में कहीं से भी बाबा नहीं लगता है, ना चंदन लगाता है, सूट बूट में ठाट बाट के साथ रहता है। टाई चश्मा और व्हाइट थ्री पीस के भोले बाबा शौकीन है। ड्रेस देखकर तो आपको लगेगा मानो किसी साउथ की फिल्म का हीरो हो, लेकिन ये तो बाबा है जो प्रवचन देता है, गरीबों को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। ये अपने सत्संग में ना किसी भगवान की तस्वीर लगाता है, ना बाबा जैसा दिखाई देता है। साकार हरि उप भोले बाबा अपने प्रवचनों में सफेद थ्री पीस सूट बूट और महंगे महंगे चश्मे में दिखाई देता है। बाबा के पास लंबी लंबी लग्जरी कारों का काफिला है और बाबा के पास खुद की वर्दीधारी फौज भी है। इस फौज को आश्रम का सेवादार कहा जाता है। बाबा अपने सत्संग में अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ बैठता है। अपने प्रवचनों में ये बाबा पाखंड का विरोध करता है, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताता है। और बड़ी बात यह है कि अनुयायी दावा करते हैं कि बाबा जी ना तो कोई चढ़ावा लेते हैं और ना ही दान दक्षिणा। फिर सवाल ये है कि बाबा अपनी लाइफ को इतनी लग्जरी स्टाइल में कैसे जीता है। नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उप भोले बाबा, जिसका असली नाम सूरजपाल सिंह जाडव है, उसने 18 साल तक यूपी पुलिस में काम किया है। 26 साल पहले अपनी पत्नी के साथ सत्संग का काम शुरू किया और आज इतना अमीर बन गया कि बड़ी बड़ी गाड़ी और महंगे महंगे सूट बूट और चश्मे में प्रवचन करता है। बाबा के सेवेदारों का कहना है कि ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, दिल्ली आदि में कई जगहों पर बाबा के आश्रम हैं। बाबा जी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी होकर आए हैं और इनकी चरणों की धूल लेने के चक्कर में गरीबों की जान चली गई। फिर सवाल यही है कि बाबा जब दान दक्षिणा लेते ही नहीं, तो बाबा के पास इतने आश्रम कहाँ से आए।